नमस्कार, मैं प्रिया। धड़ाधड़ खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। बिहार में जैविक और मौसम अनुकूल खेती पर खास जोर दिया जा रहा है। किसानों का मनोबल बढ़ाने के लिए उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना आवश्यक बताया जा रहा है। कृषि लाभकारी हो, फसलों की कीमत उचित मिले, सभी को इसकी चिंता करनी चाहिए। फर्जी कोरोना वैक्सीन एक नई समस्या बन गई है। इस बाबत विश्व स्वास्थ्य संगठन ने साउथ ईस्ट एशिया और अफ्रीका में फर्जी कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर हेल्थ अलर्ट जारी किया है। भाजपा के बाद अब जदयू कोटे के मंत्री भी पार्टी कार्यालय में बैठेंगे, उसकी तैयारी हो रही है। हालांकि अभी रोस्टर तैयार नहीं हुआ है, लेकिन नीतीश ने सहमति दे दी है। जानकारी के अनुसार किस दिन कौन मंत्री जदयू कार्यालय में कार्यकर्ताओं की शिकायत सुनेंगे, उसका रोस्टर तैयार कर लिया जाएगा। बजट एयरलाइंस इंडिगो 1 सितंबर से ग्वालियर को मध्य प्रदेश और दिल्ली से जोड़ने वाली दैनिक उड़ान शुरू करेगी, जिसके तहत दैनिक आधार पर दिल्ली ग्वालियर और इंदौर ग्वालियर के बीच में नए उड़ान मार्गों का संचालन शुरू किया जाएगा। बिहार में प्रारंभिक विद्यालयों में शैक्षणिक गतिविधियों की जांच के लिए 19 अफसरों की टीम बनाई गई है। 21 अगस्त तक सभी टीमों को विद्यालयों की जांच रिपोर्ट देनी है और उसकी समीक्षा के बाद विद्यालयों में शैक्षणिक गतिविधियों में तेजी लाने पर और निर्देश जारी किए जाएंगे। काबुल की सत्ता पर तालिबान के फिर से कब्जा जमा लेने पर पाकिस्तान में खुशी देखी गई है, लेकिन विश्लेषकों का कहना है कि ये खुशी जल्द ही चिंता में बदल सकती है। अगर अफगान तालिबान अपनी सत्ता स्थिर करने में सफल हो गया तो फिर पाकिस्तान में उग्रवाद बढ़ेगा। मुख्यमंत्री नीतीश आज कटिहार और पूर्णिया में बाढ़ प्रभावित इलाकों का एरियल सर्वेक्षण करने देखे गए। वहीं सर्वे के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि केंद्र सरकार से हम अपनी पॉलिसी के अनुसार सहायता मांगेंगे। बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेने के बाद उन्होंने मदद की बात भी कही। सोमनाथ मंदिर के कायाकल्प के बाद उनकी शोभा में और बढ़ोतरी होने वाली है। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 अगस्त को सोमनाथ मंदिर के लिए अलग अलग 5 परियोजनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन वर्चुअली करेंगे। बॉलीवुड एक्टर रणदीप हुड्डा एक विवाद में फंसते नजर आ रहे हैं। उन पर प्रिया शर्मा नामक एक पटकथा लेखक और गीतकार ने उनकी कई स्क्रिप्टें वापस नहीं लौटाने और धमकाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एलपीजी सिलेंडर की कीमतें बढ़ाए जाने को लेकर सरकार पर करारा हमला बोला है। प्रियंका ने बुधवार को एक ट्वीट कर सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की उगाही योजना फल फूल रही है। पार्लियामेंटेरियंस विद इनोवेटर्स फॉर इंडिया ने कोविड 19 टीकाकरण से जुड़ी अफवाहों का मुकाबला करने के लिए देश की अग्रणी टेक्नोलॉजी कंपनी और कन्वर्जन मीडिया मार्केटिंग प्लेटफॉर्म बॉबल AI के साथ मिलकर टीकाकरण जागरूकता अभियान इम्यूनाइज की शुरुआत कर दी है। त्योहारों को देखते हुए एम्स के निदेशक ने लोगों से विशेष सतर्कता बरतने की अपील की है। एम्स नई दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का कहना है कि कोरोना वायरस की बीमारी अभी खत्म नहीं हुई है, हमें अधिक सतर्क रहने की जरूरत है। दक्षिण पश्चिम मानसून करीब 2 हफ्ते के बाद 19 अगस्त से फिर से उत्तर भारत में सक्रिय होगा। यह जानकारी बुधवार को भारत मौसम विज्ञान विभाग ने दी है, जिसके तहत IMD ने कहा है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के अलग अलग स्थानों पर 19 से 21 अगस्त तक भारी से बहुत भारी बारिश होने का अनुमान है। सुनंदा पुष्कर मौत मामले में दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को कांग्रेस सांसद शशि थरूर को बड़ी राहत देते हुए उन्हें बरी कर दिया है। विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने कहा आरोपी को बरी कर दिया गया है। अफगानिस्तान में तेजी से बदलते हालात के बीच 24 घंटे के भीतर CCS की बैठक बुलाई गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक में अफगानिस्तान में फंसे भारतीय नागरिक को निकालने और अफगानिस्तान में हिंदू सिख समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करने की सरकार की रणनीति की समीक्षा की। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने विभिन्न उद्देश्यों के लिए 10 संगठनों को ड्रोन का इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी है। इस संदर्भ में मंत्रालय ने बयान में कहा है कि उसने सभी संगठनों को मानव रहित विमान प्रणाली नियम 2021 में सशर्त छूट दी है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को यहां मुंबई पुलिस द्वारा 2020 में दर्ज एक पॉर्न फिल्म रैकेट मामले में व्यवसायी राज कुंद्रा को गिरफ्तारी से 25 अगस्त तक अंतरिम सुरक्षा प्रदान की है। उनके वकील प्रशांत पाटिल ने तर्क दिया है कि मामले के अन्य दूसरे आरोपी पहले से ही जमानत पर बाहर है। भारत और इंग्लैंड के बीच चल रही टेस्ट सीरीज में शतक जमाने के बाद रूट दुनिया के नंबर 2 रैंक बल्लेबाज बन गए हैं। वहीं भारतीय बल्लेबाज में KL राहुल की रैंकिंग में उछाल आया है, जबकि रोहित शर्मा अपने टेस्ट करियर की सर्वश्रेष्ठ रेटिंग पर पहुंच गए हैं। दिग्गज उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने एक डोसा बनाने वाले व्यक्ति की वीडियो शेयर की। इसमें व्यक्ति बहुत तेजी से डोसा बनाता दिख रहा है। उन्होंने लिखा कि मैं तो इसे देखते देखते थक गया हूं और मुझे भी भूख लगी है। अफगानिस्तान के ताजा राजनीतिक हालात भारत के साथ व्यापार को भी प्रभावित कर रहे हैं। अफगानिस्तान से आयातित ड्राई फ्रूट्स और ताजे फलों के दाम बढ़ने लगे हैं। महज कुछ ही दिनों के अंदर ड्राई फ्रूट्स की कीमतों में तो 10 से 12% तक उछाला गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने लड़कियों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक अंतरिम आदेश पारित करते हुए लड़कियों को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रवेश परीक्षा देने की अनुमति दे दी है। ऐसे में अब लड़कियां 5 सितंबर को होने वाली राष्ट्रीय रक्षा अकादमी परीक्षा में शामिल हो सकेंगी। सेंसेक्स पहली बार 56,000 के पार चला गया। वहीं निफ्टी भी 17,000 के करीब कारोबार कर रही है। आज शुरुआती कारोबार में बीएसई का 30 शेयरों वाला प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 281.04 पॉइंट की मजबूती के साथ 56,073.31 के स्तर पर खुला है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने अपने जुलाई 2021 सेशन के लिए ऑनलाइन री रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन बढ़ा दी है, जिसके तहत ignu.ac.in पर जाकर फिर से 31 अगस्त 2021 तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ओडिशा सरकार अगले 10 वर्षों तक भारतीय हॉकी टीम की प्रायोजक बने रहने पर हॉकी टीम के खिलाड़ियों ने इसके मुख्यमंत्री और हॉकी इंडिया का आभार जताया है। भारतीय मेंस हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह ने इस पर खुशी जाहिर की है। गूगल और फेसबुक ने बड़ी साझेदारी की है। दोनों सोशल मीडिया जॉइंट्स ने 12,000 किलोमीटर की लंबी सबसी केबल बनाने के लिए एक दूसरे के साथ हाथ मिला लिया। इस साझेदारी का उद्देश्य एशिया प्रशांत क्षेत्र में कनेक्टिविटी का विस्तार करना है। भारत का कोविड-19 टीकाकरण 56 करोड़ के लैंडमार्क को पार कर गया है। कुल मिलाकर 56,06,52,000 से अधिक वैक्सीन की खुराक 62,67,149 सत्रों के माध्यम से दे दी गई है। देश में विमानन सेवाओं को आम आदमी के लिए किफायती बनाने पर जोर देते हुए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बुधवार को कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार हवाई चप्पल पहनने वाले व्यक्ति को भी हवाई सफर की सुविधा देना चाहती है। अक्षय कुमार लंदन में है और उनका क्वारंटीन अभी खत्म हुआ है। इस बात की जानकारी खुद एक्टर ने दी है और उन्होंने बताया है कि वो शहर की सड़कों पर क्या याद कर रहे थे। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर लिखा, आज ही लंदन में अपना क्वारंटीन खत्म किया और कुछ ताजी हवा के लिए बाहर निकला। भारतीय खिलाड़ियों का पहला दल बुधवार को टोक्यो पैरा ओलंपिक्स के लिए रवाना हो गया है, जिसमें भारत के ध्वजावाहक मरियप्पन थंगावेलु भी शामिल है। 8 सदस्यीय टीम को विदाई देने इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर खेल मंत्रालय, भारतीय खेल प्राधिकरण और भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अधिकारी मौजूद थे। देश में बुधवार को जारी रिपोर्ट के अनुसार 35,178 मामले सामने आए हैं, 440 मरीजों की जान गई है। उधर अमेरिका में मंगलवार को संक्रमण से एक दिन में 1,000 लोगों की जान गई है। यहां कोविड से होने वाली जान जानों वालों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है मिथिलेश कुमार, अमर कुमार, ओमकार सिंह, पिंटू कुमार, जगदीश राम, सत्यम शिवम, राजेश कुमार, राकेश कुमार, आनंद कुमार, ओमकार सिंह, रुद्रांश बाबू, राजबली कुमार, नुनू कुमार, कुमार शत्रुघ्न। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चले बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार कोरोना की संभावित तीसरी लहर के अनुमान के बीच आप भी आपके पास कोरोना से बचाव को लेकर जारी किए गए गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है या नहीं, अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।